नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज जो कि सीटेट 2018 के पेपर 2 में जो मैथमेटिक्स का पार्ट था उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आप अपने पेपर से मैचिंग कर सकते हैं। जिस मैं पेपर के क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो पेपर का बुकलेट का एन सीरीज है, और एन सीरीज में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू होते हैं मैथमेटिक्स के पेपर 2 के वो 35 क्वेश्चन से शुरू होते हैं। तो 35 क्वेश्चंस का मैं हल आपके सामने लेकर आया हूँ। जैसा कि क्वेश्चन दिया है, एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी, यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था? तो इसको हमने हल किया है दोस्तों, तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन आए थे। तो 4/25 × 100 कर दीजिए, और सीधा 25 से 100 कट जाएगा तो 4 आएगा, और 4×4 = 16, इस तरह 16% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की और सामान की कीमत क्या है जो कि पहले 500 रुपये में बेची जाती थी। 10% की कमी की, तो सबसे पहले इसका 10% निकाल लेंगे 500 का। तो 500 का 10% दोस्तों 500 × 10/100 होता है, और इसका परसेंटेज आएगा 50, और 50 को 500 से घटा देंगे तो 450 इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नीचे तापमान जो दिया गया है उसका डेटा सेट दिया गया था, और उसका डेटा परिसर ज्ञात करना था। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो बड़े वाली संख्या है 8, क्या है सबसे बड़े वाली संख्या? 8 है। इस 8 में से जो सबसे छोटी संख्या है वो है -8, उसको घटा देंगे तो वो हो जाएगा उसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 16 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक सिक्का 10 बार उछाला जाता है और परिणाम इस प्रकार अवलोकित किए जाते हैं, नीचे दिए गए हैं, और इसमें HTOTT इस तरह से पूरा दिया गया है। तो इसमें हमें निकालना था चित्त, जो हेड है उसकी संभावना। तो उसके लिए क्या किया है, सबसे पहले हमने जो एच है दोस्तों, एचओ की संख्या हमने लिख ली, पूरा एच कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो 6/ क्या होगा, टोटल संख्या 10। तो कटने के बाद हमारा आ गया 3/5, तो इस तरह से इसका आंसर 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन था, संख्यात्मक व्यंजन दिया है और इसमें हमें पता करना था कि मतलब ये क्या, कौन सा कथन इसका सही है। तो दोस्तों इसका कथन सही है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में यदि हम इसको सोल्व करके देखते हैं तो हमारा जो ऑप्शन 2 ही सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3D आकृतियों में से शीर्ष नहीं होता है। तो सिंपली है, गोला में शीर्ष नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये एक फ्रैक्शन के रूप में दिया गया है, तो इसमें हमें पता करना था x की वैल्यू। तो इसमें हम देखते हैं दोस्तों, इसको हमने सोल्व किया है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो समान जो हमारे बेस हैं उनकी जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में। तो इनकी पावर ऐड होगी तो 4 − 3 = 1 होगा, इसके ऊपर 1 आया और इसके ऊपर ये अगेन, फिर समान बेस है हमारा तो जो इनकी पावर है वो इक्वल हो जाएगी। तो 1 = क्या होगा, 5x − 2। तो 2 हमारा इधर चला जाएगा तो 5x = 3 हो गया, या x = 3/5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया ए बी सी के मान दिए गए हैं, तो इसमें हमें सत्य कथन देखना है। तो दोस्तों इसमें सबसे लास्ट का कथन ही सत्य होगा, क्योंकि यदि हम इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं तो सभी वैल्यूज आपस में क्रॉस हो जाती हैं, कट जाती हैं, तो इसकी दोनों साइड LHS जो है वो RHS के इक्वल हो जाती है, इसलिए लास्ट का जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। यदि आप पुटअप करके देखेंगे तो इसमें आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ज्यामिति निरूपण में पूरे और उसके अंश के बीच में दिखाता है। तो दोस्तों ये एक पाई चार्ट होता है जिसमें एक हिस्से में एक अंश दिखाता का संबंध दिखाता है पूरे जो निरूपण में होता है, इस पूरे निरूपण का एक इसका जो पार्ट होता है वो उसका पाई चार्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि क्यों एक प्राकृतिक संख्या पी का वर्ग है तो पी की वैल्यू बताइए। तो इसमें क्या दिया है, क्यों एक प्राकृतिक संख्या, क्यों जो हमारी एक प्राकृतिक संख्या है जो क्यों है वो क्या दिया है, पी का स्क्वायर दिया है, पी का स्क्वायर। तो पी इजगल टू क्या होगा, पी इजगल टू होगा क्यों का रूट। तो सिंपली इसका थर्ड ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन दिया है इसकी वैल्यू निकालनी थी तो बहुत आसान है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या किया, जो 121 है उसका क्या होता है 11, और 11 प्लस 70 हो गए 81। तो 81 का क्या होगा वर्गमूल 9, और 9 में अगेन 91 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 100, और 100 का वर्गमूल होता है 10। तो इसका आंसर क्या हुआ 10 सही है। एक क्वेश्चन था, एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो, तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपली इसमें कुछ नहीं करना था दोस्तों, इसका जो है 784 का क्या लेना था वर्गमूल, क्योंकि वर्गमूल में जो वर्गमूल आता है वही जो व्यवस्थित पौधे हैं संख्याओं और पंक्तियों दोनों में इक्वल रहेंगे, अर्थात एक वर्ग की फॉर्मेशन में हमें सजाना है। तो दोस्तों इसका क्या आएगा 28, जो कि ऑप्शन हमारा थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दो राशियां एक्स और वाई एक दूसरे के व्युत्क्रम में घटते बढ़ते हैं, तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड, ये गुणन में एक समान रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें हमें वाई की वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो दोस्तों इसमें हम वैल्यू पुटअप करके देख सकते हैं, यदि वैल्यू पुटअप करने से जो वाई के मान है वो इक्वल आ जा रहे हैं, जो यहाँ पर मैं वैल्यू आएगी वही यहाँ पर आएगी, तो वही मान इसका करेक्ट होगा। तो इसका आंसर था दोस्तों, इसका आंसर था 4। यदि 4 को हम पुट अप करके देखें तो यहाँ होगा 7 4, और यहाँ 6, और नीचे आएगा 4 4 4। तो इस तरह से तीनों इक्वल वैल्यू आती हैं, तो इसलिए 4 इसका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है, तो टैंक में पानी के स्तर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो ऊंचाई होता है, तो यदि हम पानी का जो आयतन है तो इसको 140 मीटर क्यूब को यदि हम 700 मीटर स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आएगा 1/5 मीटर। अब मीटर, लेकिन जो हमारे ऑप्शन दिए हैं वो सेंटीमीटर में दिए हैं, तो मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, तो इसलिए 100 से और मल्टीप्लाई कीजिए, तो 100/5 हो जाएगा, और 100/5 हमारा क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से दोस्तों हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देखा है, और आप अपने स्कोर को चेक कर सकते हैं और क्वेश्चनों को मैच कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों इस चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब के लाल बटन को प्रेस कीजिए, और साथ के साथ दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हो सके तो दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।